हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडेटअप। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिर से एक बार सी के स्ट्रिंग के बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में। ऑलरेडी इसकी एक वीडियो ट्यूटोरियल हम बना चुके हैं और जिसमें मैंने आपको बताया है शुरू के ये तीन जो हमारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं। तो शुरू के ये तीन बिल्ट इन फंक्शंस यानी कि strlen, strcat और strcpy, इन तीनों को ठीक इसके प्रीवियस वाली वीडियो में हमने देख लिया है। और आज इस वीडियो में जो हम करने वाले हैं वो है strcmp यानी ये फंक्शन और strcmpi यानी ये फंक्शन। तो चलिए देखते हैं ये दोनों फंक्शन कैसे अपने वर्क को परफॉर्म करते हैं। तो जैसा कि ऑलरेडी हम जानते हैं कि जितने भी स्ट्रिंग्स रिलेटेड फंक्शंस हैं यानी वो फंक्शंस जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं पहले से बना के रखे गए हैं, उसके लिए जो हमारा हेडर फाइल होगा वो क्या होगा, वो होगा string.h। यानी कि कोई भी आप स्ट्रिंग्स रिलेटेड फाइल मतलब कि फंक्शन को अगर आप यूज करेंगे तो आपको हेडर फाइल जो लगाना होगा वो होगा string.h। ये याद रखेंगे आप, ठीक है। एक नंबर क्वेश्चन भी पूछता है, कोई कोई दे देगा, जैसे बोल देगा strcmp अगर आप यूज करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में तो आप जो है वो किस हेडर फाइल को यूज करेंगे, तो आपका जवाब होगा आप यूज करेंगे string.h को। और वैसे ही आपसे ये भी पूछ सकता है कि strcmpi अगर फंक्शन यूज करना है आपको अपने प्रोग्राम में तो आप किस हेडर फाइल को यूज करेंगे, तो आप यूज करेंगे string.h को। क्यों? क्योंकि इन दोनों फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो लिख के रखी गई है किसमें, string.h में, राइट। चलिए पहले देखते हैं strcmp को कि ये क्या होता है और कैसे अपने वर्क को परफॉर्म करता है। तो इसका डेफिनेशन कहता है कि इट कंपेयर्स द टू स्ट्रिंग्स एंड रिटर्न्स एन इंटीजर वैल्यू। मतलब ये क्या करता है, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है और एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। दो स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा, मान लीजिए आपको एक str1 है आपके पास यानी string 1 और एक है आपके पास str2 यानी string 2, ठीक है। तो इन दोनों में जब कंपैरिजन होगा तो वैल्यूज जो निकल के आएंगी वो कोई एक इंटीजर वैल्यू होगी। अब वो इंटीजर वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे अगर आप देख लेंगे तो बहुत आसानी से समझ लेंगे। देखिए वो इंटीजर वैल्यू मतलब स्ट्रिंग वन को और स्ट्रिंग टू को कंपेयर करने के बाद अगर ये जीरो रिटर्न करता है, इसका मतलब क्या होता है कि स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू आपस में क्या है, इक्वल है। सिमिलरली अगर ये किसी भी तरह का पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है तो आप कहेंगे स्ट्रिंग वन की वैल्यू बड़ी है किससे, स्ट्रिंग टू से। और सिमिलरली अगर ये कोई नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करता है, स्ट्रिंग वन जो है वो छोटा है किससे, स्ट्रिंग टू से। अगर आसान शब्दों में समझना चाहें थोड़ा सा देखिए इसको, अगर str1 को अगर आप मान लीजिए इससे भी 5 लेते हैं, ठीक है, और str2 इसे भी आप क्या लेते हैं, 5 लेते हैं। तो अगर इन दोनों में हम कंपेयर करते हैं 1 में और 2 में, ये 1 में और 2 में कंपैरिजन होगा तो 5 माइनस 5, ध्यान समझिएगा मैथमेटिक्स टर्म में मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आप करते हैं 5 माइनस 5 तो क्या आ गया, 0 आ गया ना। तो 0 का मतलब क्या हुआ, ये इक्वल है। तो देखिए तो 5 और 5 इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रिंग 1 में रखा गया कंटेंट और स्ट्रिंग 2 में रखा गया कंटेंट अगर 0 है मतलब सॉरी अगर इक्वल है, बिल्कुल सेम कंटेंट दोनों में रखे हुए हैं, इसका मतलब हुआ कि ये दोनों स्ट्रिंग क्या है, इक्वल है। नाउ अब एक कंसेप्ट करते हैं, यहाँ पे इसको हम बनाते हैं 15। स्ट्रिंग वन में क्या स्टोर है, 15। देखिए मैं आपको सिर्फ याद रखने के लिए, ये चीजें आप कैसे याद रखेंगे मैं उसका कंसेप्ट समझा रहा हूँ, एग्जैक्टली एग्जांपल नहीं है, मैं आपको उसका कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि ये कैसे आप याद रखेंगे कौन सी इंटीजर वैल्यू रिटर्न होती है। अब स्ट्रिंग वन में मान लीजिए 15 है और स्ट्रिंग टू में 5 है, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 15 माइनस 5 10। 10 क्या, एक पॉजिटिव नंबर है ना, तो जाहिर सी बात है जब इस पॉजिटिव नंबर कब रिटर्न होकर आया, जब स्ट्रिंग वन में रखी गई वैल्यू बड़ी थी किससे, स्ट्रिंग टू से। तो वही तो यहाँ लिखा हुआ है कि रिटर्न्स पॉजिटिव, यानी कि ये पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है जब स्ट्रिंग वन जो है वो बराबर होता है, सॉरी स्ट्रिंग वन जो है वो बड़ा होता है किससे, स्ट्रिंग टू से। और नेगेटिव कब होगा, मान लीजिए मैं 50 कर देता हूँ, तो अब देखिए अब जब 15 माइनस 50 की जगह तो -35 आएगा, -35 आने का मतलब क्या हुआ, ये नेगेटिव वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो कब हुआ, मतलब जब स्ट्रिंग वन जो है, देखिए स्ट्रिंग वन में रखी हुई वैल्यू स्ट्रिंग टू में रखी हुई वैल्यू से क्या होगी, छोटी होगी। तो याद करने के लिए, सिर्फ याद करने के लिए ध्यान रखिएगा, आप इस तरीके को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है मैंने इसके डेफिनेशन में कि इफ बोथ द स्ट्रिंग्स आर सेम, यानी कि अगर दोनों के दोनों स्ट्रिंग सेम है यानी कि इक्वल है, तो ये फंक्शन जो है वो क्या रिटर्न करेगा, ये जीरो रिटर्न करेगा, अदरवाइज इट में रिटर्न अ नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। वो मैंने बता दिया कब क्या करता है वो रिटर्न, या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव। अब है इवन इफ यू वॉन्ट वी कैन कंपेयर अप टू अ गिवन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब जैसे जरूरी नहीं कि स्ट्रिंग वन में सारे के सारे कैरेक्टर को आप स्ट्रिंग टू के साथ कंपेयर करना चाहते हैं, बेसिकली होता यही है। मैक्सिमम सार आप जगह देखेंगे तो सिर्फ आपको ये पढ़ाया जाएगा कि सारे के सारे कैरेक्टर्स को क्या करेंगे, आप इसमें सारे के सारे कैरेक्टर्स को कंपेयर करेंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो कुछ खास कैरेक्टर्स तक ही, जैसे राम, मान लीजिए राम है और रामेश्वर है,
एक स्ट्रिंग वन राम है और स्ट्रिंग टू क्या है, रामेश्वर है, तो दोनों में राम है, तो आप सपोज कीजिए शुरू के सिर्फ तीन कैरेक्टर्स को ही क्या करना चाहते हैं, कंपेयर करना चाहते हैं, वो भी फैसिलिटी इसमें है, वो देखेंगे हम आगे कैसे करेंगे, ठीक है। नोट दैट, अब इसमें ये नोट करने वाली बात है, याद रखिएगा एसटीआर सीएमपी की बात हम कर रहे हैं, कि इसमें जो कंपैरिजन होता है वो केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या हुआ कि जो अगर आप स्मॉल में राम आपका एसटीआर वन में है और कैपिटल में राम, या क्योंकि ये सिर्फ पहला कैरेक्टर ही कैपिटल हो गया, तो ये दोनों को वो डिफरेंट बताएगा, अलग बताएगा, क्यों, क्योंकि इसे यहाँ स्मॉल आर मिलेगा और यहाँ क्या मिलेगा, कैपिटल आर, इसलिए इसमें कहा जाता है कि एसटीआर सीएमपी जो है वो क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। नहीं, कंपैरिजन जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है। तो अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा कंपैरिजन हो जो केस सेंसिटिव नहीं हो, मतलब इन दोनों को वो इक्वल बताए, ठीक है, यानी कैपिटल और स्मॉल का वो जो है फर्क ना करे, तो उसके लिए जो हम फंक्शन यूज करते हैं वो होता है एसटीआर सीएमपी आई। आई का मतलब होता है इग्नोर केस, यहाँ आई का मतलब क्या होता है, इग्नोर केस होता है। तो सिंपल सारा कंसेप्ट बिल्कुल वही रहेगा, सिर्फ फर्क ये होगा कि कंपैरिजन करते वक्त ये जो है जो कैरेक्टर के जो भी अपर केस या लोअर केस के डिफरेंसेस हैं उनको क्या करता है, वैल्यू नहीं देता है, दोनों सेम ही होते हैं, चाहे वो अपर केस हो चाहे वो लोअर केस हो। तो चलिए प्रोग्राम के जरिए समझते हैं इसको। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं stdio.h, ये तो हमारा हर एक प्रोग्राम में लगता ही लगता है। string.h हमने क्यों लगाया, क्योंकि हम स्ट्रिंग के फंक्शन को इस प्रोग्राम में यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए मैं दो स्ट्रिंग लूंगा क्योंकि मुझे कंपेयर करना है, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे दो स्ट्रिंग तो लेने ही पड़ेंगे, ठीक है। पहला मैंने लिया एक ए नाम का स्ट्रिंग और एक लिया बी नाम का स्ट्रिंग। तो सपोज कीजिए मैं यहाँ पे एक ए नाम का स्ट्रिंग लेता हूँ, ठीक है, ये रहा मेरा एक ए नाम का स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैंने लिया क्या, बी नाम का स्ट्रिंग ले लिया, ठीक है। अब इसमें क्या, इसकी साइज 50 है, तो इंडेक्सिंग जाहिर सी बात है जीरो से स्टार्ट होगी, तो 0, 1, 2 ऐसे इंडेक्सिंग जाती है, तो आप जानते हैं ऑलरेडी, वैसे यहाँ पे इंडेक्सिंग सिमिलरली वैसे ही जाएगी सेम, ठीक है। अभी इनमें कोई भी वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है, ये कहाँ तक जाएगी, तो अगर हमने 50 साइज माना है तो ऑब्वियस सी बात है ये 49 तक दोनों इंडेक्सेस जाएंगी। अब क्या होता है, मैंने सबसे पहले इसमें वैल्यू लेना है, यानी ए में वैल्यू की एंट्री लेनी है और बी में वैल्यू की एंट्री लेनी है, तो मैं कहता हूँ एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, यानी कि पहला स्ट्रिंग क्या करो, एंटर करो, और उसको आप ए में क्या कर लो, रीड कर लो। तो मान लीजिए ए में किसी ने डाला राम, आर ए एम, ठीक है, और लास्ट में अपने आप नल आ जाता है, ये तो स्ट्रिंग का क्या होता है, फीचर होता है। फिर दूसरा स्ट्रिंग के लिए बोलता है एंटर सेकेंड स्ट्रिंग, और उसको कहाँ रीड कर लेते हैं, बी में, तो मान लीजिए बी में भी क्या डालता है, यहाँ राम डालता है, आर ए एम, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इफ कंडीशन चेक करता है, आपको पता है इफ जो है वो कंडीशन चेक करने के लिए यूज किया जाता है। ये स्टेटमेंट, ये जो आप लिखेंगे, ये या तो क्या रिटर्न करेगा, जीरो, या तो क्या रिटर्न करेगा कोई पॉजिटिव नंबर, या तो क्या रिटर्न करेगा कोई नेगेटिव नंबर, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया आपको। तो मैं कहता हूं कि चेक करो कि ये जो वैल्यू, मतलब ये कंपैरिजन होने के बाद जो भी चीजें रिटर्न हो रही है, क्या वो जीरो के बराबर है। तो जीरो कब रिटर्न होगा, जब दोनों क्या होंगे, बराबर वैल्यूज कंटेन करेंगे, मतलब दोनों स्ट्रिंग में हमारी वैल्यूज क्या होंगी, सेम होंगी। तो एसटीआर सीएमपी यानी स्ट्रिंग को कंपेयर करो, किन किन स्ट्रिंग को, ए को और बी को, और देखो कि क्या जो इससे रिटर्न होकर वैल्यू आ रही है वो जीरो के बराबर है, क्योंकि अगर जीरो के बराबर होगी तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, इक्वल स्ट्रिंग्स, यानी स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, इक्वल है, या यहाँ हम प्रिंट कर सकते सेम स्ट्रिंग्स, यानी कि स्ट्रिंग क्या है, बिल्कुल सेम है। जबकि अगर ऐसा नहीं है तो हम else if में जाएंगे, ठीक है, मतलब अगर दोनों की वैल्यू कंपेयर की गई और अगर जीरो रिटर्न हुआ, इसका मतलब क्या होता है, सेम है, तो हमने प्रिंट कर दिया कि क्या है, इक्वल स्ट्रिंग है। लेकिन अगर फिर से हम चेक करते हैं, फिर से कंडीशन है else if, फिर से कंडीशन चेक करते हैं कि एसटीआर सीएमपी ए और बी जो वैल्यू रिटर्न होके आई वो जीरो से बड़ी है, तो पॉजिटिव वैल्यू कब रिटर्न करती है, जब पहला वाला स्ट्रिंग यानी फर्स्ट स्ट्रिंग जो क्या है, बड़ा हो, ठीक है। और अगर ऐसा कंडीशन नहीं है तो नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करेगा, ऑब्वियस ही बात है, यहाँ कोई कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते तो यहाँ लिख सकते थे else if एसटीआर सीएमपी ए कॉमा बी इज लेस देन जीरो, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर जीरो नहीं रिटर्न किया, अगर कोई जीरो से बड़ा रिटर्न नहीं किया तो जीरो से छोटा ही रिटर्न होगा, तो वो ऑटोमेटिकली इस else वाले सेक्शन में आ जाएगा और यहाँ क्या प्रिंट कर देगा, सेकेंड स्ट्रिंग इज ग्रेटर, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और यहाँ से रिटर्न जीरो, क्योंकि आपने यहाँ कहा था कि आप इंटीजर टाइप की वैल्यू क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, और प्रोग्राम क्या हो गया, बंद हो गया। अब आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सा कंसेप्ट है। क्वेश्चन ये है कि ये तो था केस सेंसिटिव कंपैरिजन, क्योंकि आपको पता है कि जो एसटीआर सीएमपी जो है वो क्या करता है, केस सेंसिटिव कंपैरिजन करता है। अब आपको अगर केस सेंसिटिव कंपैरिजन नहीं करना था तो बस यहाँ पे आप एसटीआर सीएमपी के बदले एसटीआर सीएमपी आई फंक्शन को क्या कर देंगे, यूज कर देंगे, तो जो मतलब चेकिंग होगी उसमें केस को वैल्यू नहीं दिया जाएगा, चाहे वो अपर केस में हो चाहे वो लोअर केस में हो। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ आप कैपिटल आर कर दीजिए तो ये जो है क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल नहीं प्रिंट करेगा, लेकिन वही अगर आप एसटीआर सीएमपी आई यूज कीजिएगा तो इन दोनों को ये क्या करेगा, इक्वल प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये तो था थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन, चलिए
प्रैक्टिकली करके देखते हैं। प्रैक्टिकली करने के लिए हमें जो है कोड ब्लॉक्स को ओपन करना पड़ेगा। ये प्रोग्राम आप सेम प्रोग्राम टर्बो सी में भी क्या कर सकते हैं, एज इट इज रन कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आप टर्बो सी में करते हैं या कोड ब्लॉक्स में करते हैं। तो मेरे लिए अभी के हिसाब से टर्बो सी से ज्यादा बेहतर है कौन सा, कोड ब्लॉक्स। तो हम किसमें यूज करेंगे, कोड ब्लॉक्स को यूज करेंगे। तो चलिए कोड ब्लॉक्स को ओपन करते हैं। तो हमारा कोड ब्लॉक्स ओपन हो गया और अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक नया फाइल ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए हम एक नया फाइल ओपन करते हैं और अब अपना प्रोग्राम को टाइप करना शुरू करते हैं। तो हमारा प्रोग्राम का सबसे पहला लाइन क्या होगा, हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, स्ट्रिंग को यूज करने जा रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, string.h को भी लिखेंगे, क्योंकि जो भी फंक्शन हम यूज करेंगे वो इसी के अंदर मौजूद होगा, जो भी स्ट्रिंग फंक्शन हम यूज करेंगे, ठीक है। int main से हमने main को क्या कर दिया, शुरू कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैर टाइप का एक एरे मानेंगे, उसकी साइज 50 दे देते हैं। साइज आपकी मर्जी होती है, आप कितना भी देंगे। एक b नाम का लेते हैं, उसकी भी साइज क्या कर देते हैं, 50 कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रिंट करेंगे printf/n एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, यानी कि फर्स्ट स्ट्रिंग को क्या करो, एंटर करो फर्स्ट स्ट्रिंग, और फिर यहाँ क्या करेंगे, उसको रीड कर लेंगे गेट्स किस में, ए में रीड कर लेंगे। आपको पता है गेट्स फंक्शन से हम स्ट्रिंग को रीड करते हैं, वैसे ही सेम चीज अगर मैं कॉपी करके पेस्ट कर लूँ और फिर बी के लिए कर लूँ, तो बी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, रीड हो जाएगी। तो ये हम यहाँ क्या कर लेंगे, यहाँ सिर्फ मैसेज चेंज कर देंगे, एंटर क्या सेकेंड स्ट्रिंग, और कहाँ रीड कर लेंगे, बी में। क्वेश्चन जो बेसिकली आता है सिर्फ वो ये आता है कि चेक करने के लिए कि दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल हैं या नहीं है। तो उसके लिए बस आप यहाँ चेक कर लीजिए, इफ अगर strcmp यानी स्ट्रिंग को कंपेयर करते हैं, ठीक है, किसको, a कॉमा b को, और उसकी वैल्यू जो निकल के आती है वो क्या आती है, जीरो आती है, तो आप क्या प्रिंट कर दो, बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल, ठीक है, स्लैश n बोथ, क्या यहाँ सीधे मैसेज कर दो इक्वल स्ट्रिंग्स। आपका मैसेज तो आपकी मर्जी है कि आप कैसा डालते हो, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो else में आप गए और क्या प्रिंट कर दिया, printf/n अनइक्वल स्ट्रिंग्स, यानी ये स्ट्रिंग्स जो है वो क्या है, इक्वल नहीं है, अनइक्वल स्ट्रिंग्स, strings, ओके। तो हमने ये प्रॉपर मैसेज क्या करना, डिस्प्ले कर दिया, और उसके बाद हमने रिटर्न कर दिया किसको, रिटर्न जीरो, यानी कि हमारा प्रोग्राम क्या हो गया, सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। तो जो हमने लिखना था वो हमने लिख लिया। अब फाइल मेन्यू में जाएंगे, क्या करेंगे, सेव एज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो सेव एज पे जैसे क्लिक किया, फाइल का नाम आपको देना पड़ेगा, मान लीजिए मैं देता हूँ स्ट्रिंग फंक्शन, ठीक है, fun, मान लीजिए सिर्फ इतना ही नाम देता है स्ट्रिंग फंक्शन, और सेव कर लेता हूँ। अब कंपाइल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बिल्ड मेनू में जाएंगे एंड बिल्ड एंड रन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है। देखिए जैसे ही क्लिक किया वैसे ही आपसे पूछता है एंटर स्ट्रिंग, तो आप कोई भी नाम दे दीजिए, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ देता हूँ इस बार राम, ठीक है, और सेकेंड वाला भी देता हूँ राम। तो यहाँ देखिए क्या दिया इसमें, इक्वल स्ट्रिंग। लेकिन एक बार और रन करते हैं इसको, ठीक है, और देखते हैं ये क्या रिटर्न करता है। मान लीजिए मैंने यहाँ दिया राम, और यहाँ राम देते मैंने आर को क्या कर दिया, कैपिटल कर दिया, तो ये देखिए क्या देगा, अनइक्वल स्ट्रिंग्स, मतलब दोनों में क्या कर दिया इसने, फर्क कर दिया। अब अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये केस सेंसिटिव कंपैरिजन नहीं हो, तो यहाँ बस आई लगा दीजिए, strcmp i, यानी इग्नोर केस, और अब फिर से इस फाइल को क्या कर लीजिए, सेव कर लीजिए, और उसके बाद बिल्ड एंड रन कर लीजिए। तो देखिए क्या होगा इस बार, इस बार अगर आप देते हैं राम और यहाँ देते हैं कैपिटल में नाम, तो भी ये क्या देगा, इक्वल स्ट्रिंग, क्योंकि कंपैरिजन जो हुआ है वो केस सेंसिटिव कंपैरिजन नहीं हुआ है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स।